तो गाइस थैनोस आया और एक दिन में सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को लेके अपना काम पूरा करके चला गया। और मूवी के एंड में डॉक्टर स्ट्रेंज ने टोनी स्टार्क से कहा कि इट वाज द ओनली वे, मतलब यही एक रास्ता था। तो ये एक रास्ता था क्या? जिन जिन लोगों ने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर देखी उन्होंने पूरी मूवी के दौरान बेशक बहुत मजे उठाए, पर मूवी के एंड में सब के सब हैरान रह गए ये सोचते हुए कि अब क्या होगा। तो अब हो तो बहुत कुछ सकता है, और जो जो हो सकता है उसका हिंट छुपा है मार्वल कॉमिक्स में। तो गाइस मैं हूं अमन सिन्हा और आज हम बात करेंगे कि एवेंजर्स थैनोस को कैसे हराएंगे। इस वीडियो में मैं मार्वल कॉमिक्स और एवेंजर्स की फोर्थ अनटाइटल मूवी से रिलेटेड कुछ फैन थ्योरीज के बारे में बात करूंगा। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो सुपर हीरो मूवी फैंस अभी भी एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर की एंडिंग डिस्कस कर रहे हैं, और इस डिस्कशन का सवाल है कि अपने एवेंजर्स अब क्या करेंगे कि वो बाकी सब पहले जैसा कर सके, क्योंकि थैनोस ने ऑब्वियसली बहुत सारे रास्ते तो छोड़े नहीं। कैप आधी एवेंजर्स टीम के साथ है, वकांडा अपने राजा के बिना अधूरा है, और टोनी खुद टाइटन पर फंसा है। हालांकि डॉक्टर स्ट्रेंज, जिनको एवेंजर्स की फोर्थ अनटाइटल मूवी के बारे में सब पता है, उन्हें पता था एक रास्ता, पर बेचारे वो भी धूल बन गए। तो क्या है एक रास्ता? तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के कई सारे सवालों की ही तरह इस सवाल का जवाब छुपा है मार्वल कॉमिक्स में। इन्फिनिटी वॉर में जितने भी हीरोज का सामना हुआ थैनोस से, उनमें से सिर्फ थॉर ही थैनोस को हराने के सबसे करीब था, और इसका श्रेय जाता है एत्री की फौज में बने स्टॉर्म ब्रेकर को। कहीं बिक रहा हो स्टॉर्म ब्रेकर तो मुझे भी बताना। तो गॉड ऑफ थंडर थॉर अपने इस नए नवेले हथियार का स्वैग दिखाते हुए उसे गाड़ देते हैं थैनोस के सीने में, जिससे थैनोस को सीने में दर्द तो होता है, पर ये दर्द थैनोस को चुटकी बजाने से नहीं रोक पाता, जिसकी वजह से यूनिवर्स से आधे लोग साफ हो जाते हैं। तो जो हुआ सो हुआ, फिलहाल यहाँ अकेला हिंट ये मिला कि स्टॉर्म ब्रेकर मामला पलट सकता है, और ये चीज बिल्कुल सिमिलर है 2011 की मार्वल कॉमिक्स क्रॉसओवर इवेंट फियर इटसेल्फ स्टोरीलाइन से। इस स्टोरीलाइन में अर्थ पर ओडिन के भाई गॉड ऑफ फियर और एक सरपेंट अटैक कर देता है। ये लोग अर्थ के सबसे पावरफुल लोगों पर अपना कंट्रोल बनाते हैं, जो कि है हल्क, द थिंग और जगरनॉट। तो जैसे ही टोनी स्टार्क अपनी साइड को कमजोर देखता है, तब वो ओडिन से डिमांड करता है कि उन लोगों को भी ऐसे हथियारों की जरूरत है जो कि सब सही कर दे, और ओडिन टोनी को एस्गार्डियन वर्कशॉप यूज करने देते हैं ताकि वो म्यूनिट जैसे हथियार बना सके। तो ये एस्गार्डियन वर्कशॉप कुछ जानी पहचानी लग रही है। इन्फिनिटी वॉर में थॉर रॉकेट और ग्रूट के साथ नाइडा वेलर जाता है, जहां थॉर ड्वार्फ किंग एत्री को एक नया वेपन फॉर्ज करने को कहता है, एक वेपन जो कि थैनोस के आगे टिक पाए, एक वेपन जो कि उरु मेटल से बना हो, जैसा कि म्यूनिर और थैनोस का गाउंटलेट जिससे बना था। तो फियर इटसेल्फ स्टोरीलाइन में भी टोनी एवेंजर्स के लिए इसी मेटल से कुछ हथियार बनाता है। तो मोस्ट प्रोबेबली यही रीजन है कि टोनी की जान के बदले इन्फिनिटी वॉर में डॉक्टर स्ट्रेंज ने थैनोस को टाइम स्टोन दे दिया, ताकि टोनी नाइडा वेलर जाके थैनोस को रोकने के लिए एत्री के साथ नए हथियार बना सके। ये थ्योरी बेशक एक लॉन्ग शॉट है, पर बात में दम है। तो गाइज ये थी एक छोटी सी वीडियो एवेंजर्स की फोर्थ अनटाइटल मूवी के बारे में। नाइडा वेलर प्लस डार्क टेक, ऐसे हथियार कौन नहीं देखना चाहेगा। पर फिर भी अगर मुझसे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपके पास कोई नया फैक्ट है इस मूवी से रिलेटेड, तो प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही साथ मुझे ये बताएं कि थैनोस को हराने के लिए आपकी थ्योरी क्या है। ऊपर से लेटेस्ट सुपर न्यूज और ऑसम सुपर फैक्ट्स के लिए हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और गूगल प्लस से फॉलो करना ना भूलें। हम हर जगह हैं। तो गाइज अगर आप कॉमिक्स में सिविल वॉर के इवेंट्स देखना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी सिविल वॉर कॉमिक सीरीज रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर पीस।